फुलपरास में मिली दो सिर कटी लाश की हुई पहचान। पहचान के बाद शव को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। रतौली गांव के नथुई कामत की 30 वर्षीय पुत्री माला देवी और 8 वर्षीय नतनी आरुषि कुमारी की थी बरामद सिर कटी लाश। अवैध संबंध में दोहरे हत्याकांड को दिया गया था अंजाम। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के फुलपरास से आ रही है, जहां फुलपरास थाना क्षेत्र के चर्चित दो सिर कटी लाश मामले में बरामद शव की पहचान कर ली गई है। बरामद दोनों सिर कटी लाश माँ और बेटी की थी। स्थानीय थाना के रतौली गांव निवासी नथुनी कामत की 30 वर्षीय पुत्री माँ देवी और 8 वर्षीय नतनी आरुषि कुमारी के रूप में शव की उनके परिजनों द्वारा पहचान कर लिए जाने पर रविवार को पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। इधर पुलिस को उस समय स्थानीय ग्रामीणों के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा, जब पुलिस को शव लेकर परिजनों को सौंपने पहुंची थी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को घेरकर जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। आपको बता दें कि घटना के करीब 48 घंटे बाद शव की पहचान होने के बाद अगले 24 घंटे बाद दिल्ली से आए परिजनों को पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव को सौंप दिया है। मृतका माला देवी के भाई मनीष कामत के लिखित आवेदन पत्र पुलिस ने नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज कर इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की दिशा में अनुसंधान शुरू कर दिया है। पहले ग्रामीण चौकीदार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस को अब तक बरामद सिर कटी लाश दोनों शवों के सिर का पता नहीं चल पाया है। इधर शव की शिनाख्त होने के साथ ही अवैध संबंध में हत्या की चर्चा गांव में हो रही थी। पुलिस का अनुसंधान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मृतका के परिजनों द्वारा शव की पहचान के उपरांत थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया गया, उसमें भी अवैध संबंध की बात सामने आई तो उसकी आशंका और प्रबल हो गई। मृतका के भाई द्वारा गांव के लिए दो लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष ललन कुमार चौधरी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।